हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बहुत ही इजी मेथड से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जिनको पता नहीं होता है, वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन में जो प्रोग्राम का आइकन होता है, उस पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में से हट गया है। चूँकि हर प्रोग्राम के साथ कुछ उसकी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे मेन सी ड्राइव में स्टोर होती हैं, और जब हम उनको प्रॉपर सही तरीके से केवल आइकन को डिलीट करते हैं तो उसका शॉर्टकट आइकन ही डिलीट होता है, बल्कि पूरी फाइल के जितने भी उसकी फाइल्स हैं वो उस सिस्टम में से नहीं हटती हैं। यानी कि हम जब तक उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम में एक जो कमांड दिया हुआ होता है उसके थ्रू ही जो है अनइंस्टॉल करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से हम अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारे डेस्कटॉप पर जो आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। कभी ऐसा कोई प्रोग्राम जिस पर हमें वर्क नहीं करना है और हम उसे अपने कंप्यूटर या पीसी में से हटाना चाहते हैं यहाँ से जो है, तो उसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके, कुछ लोग जिनको पता नहीं होता है तो वो राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से ये प्रोग्राम हमारे जो सिस्टम से हट गया है। लेकिन दोस्तों, होता नहीं है ऐसा। वो प्रोग्राम आपके सिस्टम से पूरी तरह से जो है नहीं हटता है। तो किस तरह से हम जो है उसको हटा सकते हैं, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब आप इससे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को डिलीट करते हो तो वो प्रोग्राम का केवल शॉर्टकट जो है यहाँ से डिलीट होता है, ना कि वो पूरा प्रोग्राम जो उसका सेटअप होता है वो आपके सिस्टम से हटता है। तो इस वीडियो में हमें आपको बताने जा रहा हूँ कि इस किसी भी प्रोग्राम को सही से अनइंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, यानी कि आप अपने सिस्टम से कौन से तरीके से आप उसको जो है बहुत ही आसान तरीके से हटा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक अनइंस्टॉल प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर है, आप उस पर जो है क्लिक करेंगे। उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी, ये सारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो आपने उस जिस भी प्रोग्राम को हटाना है उस प्रोग्राम पे आपको जाना होता है, क्लिक करना होता है, और आप जैसे ये प्रोग्राम हमने हटाना है तो इस पर आप यहाँ पर देखिए अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके या फिर इस पर आप राइट क्लिक करके इसको जो अनइंस्टॉल कर देंगे, तो सबसे पहले आपको वो कंफर्म करने के लिए भी पूछेगा कि आपने उस प्रोग्राम को हटाना है या नहीं। तो आप इसको यहाँ से यस कर दीजिए और वो प्रोग्राम फिर से आपसे पूछेगा कि उसको आपको हटाना है, तो आप इसको यस कर दीजिए और इस तरह से वो प्रोग्राम पूरी तरह से आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके कर दीजिए इसको, तो वो आपका जो प्रोग्राम है देखिए डेस्कटॉप से हट गया है, यानी कि आपके पूरे सिस्टम से वो जो है पूरी तरह से हट जाता है। तो इस तरह से ही हम जो है किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं अपनी विंडो से या रिमूव करते हैं, और यही इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने विंडोज़ या कंप्यूटर या लैपटॉप से हटाने का, रिमूव करने का। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि इसका नॉलेज उनको भी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।